हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना सिंह। मेरे डिलीवरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज है जन्माष्टमी, आप लोगों के लिए हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स। और आज मेरे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है फ्रेंड्स, तो उनके लिए मैं आज धनिया के प्रसाद बना रही हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को धनिया का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो आज उनके लिए मैं धनिया का प्रसाद बनाई हूँ, तो सोची कि फ्रेंड्स आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, धनिया का प्रसाद बनाने के लिए यहाँ मैंने साबुत धनिया ली हूँ, और इसके साथ साथ मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें प्रसाद में बनाने में ऐड करूँगी, तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने लिया है, आप देख सकते हो, यहाँ मैं बादाम ली हूँ और इसको कट कर ली हूँ। यहाँ सूखी गड़ी है, इसको भी मैं कट कर ली हूँ, और यहाँ काजू है फ्रेंड्स, इसको भी कट कर ली हूँ। यहाँ मखना का लावा है, और यहाँ किशमिश मैं ली हूँ, और एक घी ली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ गैस का फ्लेम ऑन करके मैंने पैन को रख दिया है, और मैं हल्का, इसको ज़्यादा जलाना नहीं है फ्रेंड्स, हल्का हल्का इसको फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगे। तो मैं पहले धनिया को फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ धनिया फ्राई हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। हल्का हल्का भीनी भीनी खुशबू आने लगी है, धनिया को मैंने अच्छे से भूज लिया है फ्रेंड्स। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं पहले, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक जो बाकी इंग्रेडिएंट है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने एक प्लेट में निकाल ली हूँ, और इसको ठंडा होने के लिए रख देते। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं थोड़ा सा घी ऐड करती हूँ। तो पहले फ्रेंड्स, हम किशमिश को फ्राई कर लेते हैं, और जो गैस का फ्लेम है फ्रेंड्स, लो मीडियम किए हैं, और इसमें हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम निकाल लेते हैं, फ्राई कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा घी हम ऐड कर देते हैं, और फ्रेंड्स इसी घी में मैं गड़ी जो है इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गड़ी भी मेरा फ्राई हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा मैं घी डाल देती हूँ, और मैं काजू को फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा नहीं करना है फ्रेंड्स। तो काजू को भी मैंने फ्राई कर लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मखना का लावा है, इसको भी हम फ्रेंड्स फ्राई कर लेते हैं, ये भी फ्राई हो गया। यहाँ बादाम ली हूँ, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसको भी मैंने फ्राई कर लिया। तो जब तक मैंने सारे इंग्रेडिएंट फ्राई किए हैं, तब तक ये धनिया जो है ठंडा हो चुका है। तो हम इसको एक मिक्सर जार लेकर के, और इसमें हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, और एक अच्छा सा इसको पेस्ट बना लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं फ्रेंड्स, फाइन पाउडर इसका बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसका, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना अच्छा इसका फाइन पाउडर बन गया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको छान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ हम स्टेनर की सहायता से इसको हम छान लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आप देख सकते हो इसको छान लिया है, और इसको मसाला वसाला में प्रयोग कर देंगे। तब हम प्रसाद बनाने की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पैन गर्म हो गया है फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, और इसी में फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी कि जो धनिया हल्का सा भून करके इसको ग्राइंड की थी, इसको हम थोड़ा सा इसमें भून लेते हैं, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये तो भुना हुआ है ही, थोड़ा सा मैं घी डालकर इसमें सोधापन आ जाएगा घी का। और भगवान लड्डू गोपाल के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ फ्रेंड्स। मेरे घर में लड्डू गोपाल विद्यमान है, मैं डेली उनकी सेवा करती हूँ, तो उनके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो बस सोधापन इसमें आ गया, अब इसको हम बाहर निकाल देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जो जो इंग्रेडिएंट लिया है उसको हम मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसी में मैं ऐड करूँगी ये धनिया, जो मैं इसको अभी भी इसको मैं थोड़ा सा घी डाल करके इसको सोधापन ले आई हूँ, क्योंकि पहले इसको ही फ्राई कर दी थी फ्रेंड्स। और इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं शुगर ली हूँ, और प्रसाद में थोड़ा सा शुगर ज़्यादा पड़ता है, और इसको मैंने कम से कम 6-7 चम्मच शुगर ले करके इसको ग्राइंड कर ली थी, इसको इसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने लड्डू गोपाल के लिए धनिया का प्रसाद बना लिया है। इसमें थोड़ी तुलसी जी डाल का पत्ती डाल दी हूँ, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ती के तो भगवान भोग लगाएंगे नहीं। तो मैंने प्रसाद तैयार कर लिया फ्रेंड्स। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगले रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।